अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वैसे तो आप सब ने अल्लाह के वलियों के बारे में बहुत सुना होगा, जिनके किरदार और इबादत से पता चलता था कि वो वाकई नेक इंसान है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम चांद ऐसे जेली पीरों के बारे में बात करेंगे जो ना सिर्फ अपने वालिद के नाम पर तबा है बल्कि अपने सारे पीरों को भी बदनाम किया हुआ है। नंबर वन दोस्तों, वैसे तो आप सब ने काफी शापर देखे होंगे, लेकिन ये बाबा जी लाहौर के अनारकली बाजार में अपने मुरीदों का इलाज करते हैं। इनका नाम साईं मस्कीन बाबा टोल पक्की पकाई गोल है। आप इसकी हकीकत जानकर हैरान हो जाएंगे कि जब एक यूट्यूबर ने इनसे कुछ सवालात किए तो सबसे पहले इसने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब पढ़े लिखे मुसलमान हैं, क्योंकि वो कहता है कि मुसलमानों में बहुत ज्यादा गलत काम होते हैं, लेकिन हम मुसलमान में हमने कभी किसी से फ्रॉड नहीं किया। मुसलमान? अच्छा, मुसलमान नहीं, मुसलमान। मुसलमान हो गए हम, क्यों इनमें वो ऐसे काम है, हमारे में ऐसा काम नहीं। जब यूट्यूबर पूछता है कि सुबह की नमाज के कितने फर्ज और कितनी सुनते हैं, तो वो कहता है कि ये सवाल मुझसे ना पूछो, मैं जो कर रहा हूँ यही मेरी इबादत है। आपने ये पूछना है तो मौलवी से जाके पूछो। जब यूट्यूबर इस शापर के बुजुर्ग से पूछता है तो वो कहता है कि दो नफल और दो सुनते हैं। हैरत की बात ये है कि बाबा सिगरेट भी पीता है और कहता है कि यहाँ सब कुछ चलता है, और इनके मुताबिक कुरान की सबसे बड़ी सूरह सूरह तौहीद है। और कहता है कि 20 साल से इसने कोई गुनाह नहीं किया, हकीकत में ये सब जहालत है। नंबर टू, पीर शलवार शाह। दोस्तों इस पीर के कानून बहुत सख्त हैं, इनके दरबार पर जाने के लिए अपनी इज्जत को उतारना पड़ता है वरना बाबा जी नाराज हो जाते हैं। आप इसके दरबार पर मुख्तलिफ शलवारें देख सकते हैं, और जो अपनी इज्जत नहीं उतारेगा उसकी दुआ कभी कबूल नहीं होगी, इससे बड़ी जहालत और क्या हो सकती है। नंबर थ्री, टॉफी वाली सरकार। दोस्तों ये टॉफियों वाली फैक्ट्री भी एक पीर है जो टॉफी से लोगों का इलाज करता है, और हकीकत में ये बाबा बहुत ज्यादा नशा भी करता है। लोग इस पर फूलों की बजाय टॉफी की बारिश करते हैं और बाद में ये टॉफी को बाजार में जाके बेच देते हैं। नंबर फोर, निक्का पीर। दोस्तों ये पीर सुबह पंजाब के एक शहर का है जिसका नाम दयान काजमी है। इस उम्र में बच्चे डायपर पहनते हैं, अगर क्या हो कि वो इस उम्र में पीर बन जाए और गाड़ियों और पैसे कमाने लग जाए तो इसका बाप कितना खुश नसीब है जिसने बगैर कोई क्लास पढ़ाए फ्री में पीर बना दिया। और ये बड़े बड़े उलमा को मुनाजरे के लिए चैलेंज करता है, और इनके सब मुनाजरे सिर्फ और सिर्फ हमाम में होते हैं जिससे हमाम वाले का टाइम भी गुजर जाता है, जिसमें सवाल पूछने वाले को जवाब देने के बजाय खुद उस पर सवाल कर देते हैं। नंबर फाइव, पीर हक खतीब यानी शोफियों वाली सरकार। दोस्तों ये पीर कलर सैदा का है जो अपनी फूंकों से लोगों का इलाज करता है, लोगों की आंखों से चेन्स और कील्स वगैरह निकालता है, और ये बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी का भी मालिक है जो इसने पीरी मुरीदी से बनाई है। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। खुदा हाफिज़।